यहाँ पर मैं तुलसीदास रचित एक छोटी सी रचना दे रही हूँ जो उन्होंने बड़े ही भक्तिभाव से लिखी है। ये तो आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास जैसा भक्त होना मुश्किल है, और जो रचना मैं कर रही पढ़ रही हूँ उनकी ऐसी सुंदर रचना है जिसमें भक्ति का इतना विशेष गुण है, जहाँ आत्मसमर्पण इतना ज़्यादा है कि उन्होंने कहा है भगवान से कि हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है, जो आपकी मर्जी हो वो आप मान लीजिए, अगर आप चाहें तो चाहे मुझे अपना दास मान लें, चाहे कुछ भी मान लें, और मैं तो क्या हूँ कि मेरे लिए तो आप क्या है कि तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुण्यहारी, नाथ तू अनाथ कौन नाथ कौन मोसो, मोस मान आरती धरे आरती हरे तूसो, ब्रह्म तू है जीव तू है ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब दिहि तू मेरो, तोय मोहि नाते अनेक मानियो जो भावे, ज्यो त्यो तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। कितनी सुंदर रचना है कि कह रहे हैं कि तू दयालु दीन हो, यदि तुम दयालु हो तो मैं दीन हूं। कोई भी संबंध आप मान लो, माता पिता का आप संबंध मानना चाहे तो वो मान लीजिए, दीन और दयालु का मानना चाहे तो वो मान लीजिए, और अगर आप एक दाता हैं तो मैं भिखारी, कोई भी संबंध आप जो आपको अच्छा लगे वो आप मान लीजिए। इतना समर्पण पूरी तरीके से समर्पित है कि आप चाहे जिस संबंध को मान लीजिए, और आरती हरितोषो, तुम तो कष्टों को दूर करने वाले हो, मेरा जैसा कोई पापी नहीं है, मेरा जैसा कोई दुखी नहीं है, मेरा जैसा कोई परेशान नहीं है, लेकिन आप जैसा कोई उद्धार करने वाला भी, आप सभी का उद्धार करने वाले हैं, सबका ध्यान रखने वाले हैं, तो आप चाहे जो भी रिश्ता आप मुझे से मान, मैं तो हर तरीके से आपको समर्पित हूँ। तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पात की, मैं तो पात की हूँ, पापी हूँ, बहुत ही नीच हूँ, मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं है, ऐसा मैं हूँ। इसलिए तुम कैसे हो कि तुम चाहे जो रिश्ता चाहो वो मान लो, सिर्फ एक ही भक्ति के भाव से मेरी प्रार्थना है कि मेरा और आपका संबंध अटूट हो, मेरा और आपका संबंध बना रहे, आप चाहे जिस संबंध को भी मानना चाहे वो मान लें। और यही भक्ति की भावना है। भक्ति का सबसे बड़ा गुण तो यही है कि वो पूरी तरह समर्पित हो, और यहाँ पर हमें समर्पण की अतिशयोक्ति, समर्पण का वह भाव दिखाई देता है कि इतना सुंदर भाव तो हमें कहीं अन्यत्र मिल ही नहीं सकता। उन्होंने कोई संबंध लिखा, लोग कहते हैं कि जैसे चलिए सूरदास ने सखा भाव से की, उन्होंने कोई संबंध ही नहीं रखा, उन्होंने कहा मैं न सखा भाव से कर रहा हूँ, न दाता के भाव से कर रहा हूँ, न भक्त के भाव से कर रहा हूँ, मैं तो क्या है कि आपके साथ जो भी संबंध आप बनाना चाहें वह संबंध मुझे मंजूर है। तू दयालु दीन हो, अगर तू दयालु है तो मैं दीन, तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिखारी, और अगर तुम दानी हो, तुम दाता हो तो मैं भिखारी हूँ। यानी कहने का प्रयास क्या है कि आप चाहे जो संबंध माने, मेरा संबंध आपके साथ अटूट है, वही संबंध आप जो भी आपको प्रिय हो वो संबंध आप। इतनी सुंदर भक्ति भावना, तुलसीदास की भक्ति तक तो पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, उनको समझना ही उस भाव से मुश्किल है कि समर्पण की अति एक सीमा उन्होंने यहाँ पर स्थापित की है कि किस तरीके से वो भगवान के प्रति समर्पित हैं, किस तरीके से वो भगवान को अपना मान चुके हैं, और कहते मैं नहीं अपना मान रहा, बल्कि मैं क्या है कि जो आपने मानना है वो आप मान लो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया, वो अपनी तरफ से कुछ भी बात नहीं कहना चाहते कि मैं और तुम कौन है, क्या है, कैसे है, मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि मेरा और आपका एक संबंध है, और वो कैसा संबंध है, अटूट संबंध है। आप जो चाहें, बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे हैं, बहुत सारी के सामने विकल्प रख रहे हैं कि तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिखारी, और हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुण्यहारी, तो कैसा है कि पापों को पुण्यों में बदलने वाला है, पापों को खत्म करने वाला है। मैं तो एक ऐसा हूँ पात की, बहुत पापों को धारण करने वाला हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे तो बस उद्धार चाहिए, और आप कौन उद्धार करने वाले हो, और भगवान किसका उद्धार करेंगे जो पापी होगा, तो मैं तो पापी हूँ, आप मेरा उद्धार करो जिस तरीके से भी चाहो, कि तो ही मोहे नाते अनेक मानियो जो भावे, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते हैं, आपको जो अच्छा लगे, वहां पर अपनी कोई स्वीकृति नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ एकमात्र इच्छा यही है कि मेरा और आपका संबंध हो, हमारा जो संबंध हो वो अटूट हो, कैसा हो ये मुझे निश्चित नहीं करना, ये किसको निश्चित करना है, ये आपको निश्चित करना है कि आपको मानियो जो भाव है, जो आपको अच्छा लगे वो आप मान लें। मेरी तो बस एक ही विचार है, एक ही प्रार्थना है, एक विनीत प्रार्थना है मुझे कि आप जिस संबंध को भी चाहें उसको मान लें, मैं तो सिर्फ
आपसे संबंध रखना चाहता हूँ, चाहे वो संबंध कैसा भी हो, और वो कैसा हो वो आपकी इच्छा अनुसार हो, आप जैसा चाहें, जैसा आपको अच्छा लगे। आपको दीन और दयालु का अच्छा लगे तो आप वो संबंध मान लीजिए, आपको दाता और भिखारी का अच्छा लगे तो वो मान लीजिए, आप माता और बच्चे का संबंध रखना चाहें वो मान लीजिए, यानी आपको जो अच्छा लगे वो आप मानिए। मेरी इसमें कोई भी इच्छा नहीं है, मेरा तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि मेरा और आपका संबंध हो, और कैसा संबंध हो, अटूट संबंध हो, जिसमें कहीं पर भी विलगता ना हो, जहां पर कहीं पर भी अलग होने की बात हो, सिर्फ जहां समर्पण हो, ऐसा समर्पण कि वो किसी भी हालात में अलग ना होना चाहे। तो ऐसी यहाँ पर तुलसीदास की बहुत ही प्रसिद्ध रचना और बहुत ही मार्मिक, बहुत ही हृदय ग्राही रचना है यहाँ पर, जो उन्होंने भगवान के प्रति समर्पित की कि तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पाठ की तू पाप को निहारी। तो बहुत सुंदर रचना है, तो इन पर हम तुलसीदास की इस भक्ति भावना को समझें।